देखिए नवे सवाल पे बात करते हैं। यहां से चीजें और क्लियर स्पष्ट हो जाएगी। सिद्ध कीजिए समुच्चय ए, समुच्चय ए किस प्रकार का है, x belong to z और इसकी वैल्यू x की वैल्यू किसके बीच आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आर एक तुल्यता संबंध है। आर कैसा है? आर पहले पार्ट में कैसा है? आर बराबर a कॉमा b टाइम केस में भी होगी और सच दैट मॉड a माइनस b चार का गुणा छः। मैंने बताया संबंध जब ये स्थापित करेगा तो कुछ भी कह सकता है, गुणज कह सकता है, गुणनखंड कह सकता है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड फैक्टर, मल्टीपल का मतलब ये इसके पहाड़े में आएगा। अब इसको हमें तुल्यता का संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता के संबंध में हमें तीन संबंध इसके स्थापित करने पड़ेंगे, स्वतुल्य, सममित और ट्रांग। स्वतुल्य को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स, कुछ दिनों में याद रहता है, शुरू में दिक्कत है, रिफ्लेक्सिव इंग्लिश। हिंदी में कहते हैं इसको स्वतुल्य संबंध। हम जांच रहे हैं इसमें स्वतुल्य संबंध है या नहीं। नाम से पता लग रहा है स्व स्वयं तुल्य तुलना, खुद से ही तुलना, यानी हर अवयव की खुद से ही तुलना होनी चाहिए, खुद से वही संबंध होना चाहिए जो संबंध उसने परिभाषित किया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अवयव a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को, इसको लिखने का तरीका है ar, और इसी को कहते हैं कि a संबंधित है किससे, b से। तो शॉर्ट में एक अवयव a है उसका संबंध में a से निकालना चाहता हूं, ar के। इसका मतलब तो ये हुआ a कॉमा a बिलोंग टू r। ये कब होगा? जब ये संबंध हमारा a माइनस b चार का गुणा जो स्थापित हो जाए। ए आर ए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मॉड ए माइनस ए क्या होना चाहिए, चार का गुणज है। अगर ये बात सही है तो संबंध स्वतुल्य है, और ये बात असत्य है तो संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये कितना आ गया ए माइनस जीरो, चार का तो जीरो तो दुनिया में हर संख्या का गुणज होता, क्यों चार जीरो जीरो, पाँच जीरो जीरो, छः जीरो जीरो, जीरो तो सभी का गुणज है। चार के पहाड़े में जितनी संख्याएं आ रही हैं वो सभी चार का गुणज होंगे। तो ये आपके पास आ गया जीरो चार का गुणज है, ये बात कैसी है, सत्य है। इससे तो ये पता लगा कि a कॉमा a किसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब r कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसलिए मैं हिंदी ये दोनों लिख रहा हूँ, कभी रिफ्लेक्सिव कभी सोलिव। सेकेंड आएगा सिमेट्रिक, चेक करते हैं सिमेट्रिक इसको क्या क्या कहते हैं, सममित सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित, ए बी से संबंधित है इसके आधार पर ही मुझे सिद्ध करना है कि बी ए से। मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं ना, है क्या करने के लिए भाई, इतना मालूम है कि सममित संबंध होता है ए का बी से संबंध, तो बी का ए से संबंध, तो हम ए का बी से संबंध लेके चलेंगे, और बी से ए का संबंध अगर आ गया निकल के तो फिर हमारा जो संबंध है सममितता का वो सिद्ध होगा। तो हम लेके चलते ए आर बी, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी मॉड इसका मान है चार। अच्छा एक बार बताओ, मॉड के अंदर अगर तुमने माइनस कॉमन ले ली है तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, किसका गुणा जाएगी, चलिए मॉड का माइनस तो प्लस हो जाता है तो b माइनस ए चार का गुणा छः। इसका मतलब हम लेके चले थे a का संबंध b से, और यहाँ किसका संबंध निकल आया, b का a से, यहाँ से आ गया b r a, शॉर्ट में मैं कहूँ b कॉमा a स्थापित करना है, जो है ट्रांजिटिव जिसे कहते हैं हम संक्रामक, ठीक।
ये हेडिंग मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको पता रहे कि हम कौन सा संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले स्वतुल्य चेक किया हमने, चाहे आप ये भी लिख सकते चेकिंग ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, कल हमने ऐसे लिखा था, चेकिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और चेकिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी एंड ट्रांजिटिविटी। इसमें क्या होगा भाई, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, यहां से इंप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी किसका होना चाहिए, चार। आप जानते हो ट्रांजिटिविटी में हमें तीन संख्याओं की जरूरत पड़ती है, ए का बी से संबंध, बी का सी से, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, यहां से पता लगेगा बी माइनस सी चार। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मॉड ए माइनस बी या तो ए माइनस बी होगा या बी माइनस सी होगा, ये तो स्थिति आएगी, और बी माइनस सी होगा या सी माइनस सी होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तीनों संख्याएं कैसी है। अगर ए बी से बड़ी है और बी सी से बड़ी, तो ए माइनस बी भी धनात्मक होगा और बी माइनस सी भी धनात्मक होगा। बात समझ आ रही? अगर ए बी से छोटा है तो ए माइनस बी ऋणात्मक होगा, तो मॉड का आंसर बी माइनस सी आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं ए बी से बड़ी है और बी सी से बड़ी है, ये बात दिमाग में रख के चल रहे, क्योंकि जो छोटा वाला उसके लिए अपने आप ठीक आ जाएगा। अब यहां से हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो ऐसा करो और इसको भी, इसको भी, इसका भी समाधान कर कि हम इसको पॉजिटिव माने, क्योंकि जब आप इंटर का पेपर में कॉपी में लिखते हो तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप ये बच्चों वाली बातें नहीं करें, मॉड लगा है तो मॉड को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपका ए माइनस बी को आपने ए माइनस बी लिख दिया, तो ए माइनस बी तो बी माइनस ए भी हो सकता था, आपने ए माइनस बी से सिद्ध किया, इस बात का आपका नंबर कट सकता है कि आपने बी माइनस से सिद्ध किया, आपने तो पॉजिटिव नंबर के लिए सिद्ध किया, नेगेटिव के लिए काट रहे हैं। समझ आ रही बात? इसका भी एक रास्ता हमने निकाल लिया, ये ए माइनस बी मॉड बराबर रहेगा फोर, क्योंकि जब ए माइनस बी चार का गुणज है तो इसका मतलब चार गुणा कुछ इसका मान आता होगा। अरे बात समझ आ रही? तो इसको हमने लिख लिया ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी चार का गुणज है, यानी चार के पहाड़े में आता है, जैसे चार दो में आठ होगा, चार के बारह होगा, चार चौ सोलह होगा, ठीक है। तो हमने कहा के टाइम, और बी माइनस सी ये भी चार का गुणज है, तो ये के की जगह ऐसा करो एम ले लो, ठीक है, जहां के व एम कैसे हैं, यहां से देखो सारी बात ठीक हो गई। अगर पूर्णांक का तो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, चाहे ए धनात्मक हो चाहे ए ऋणात्मक हो, सॉरी चाहे ए बी से बड़ा हो चाहे बी ए से बड़ा हो, दोनों के लिए बाटी, यहाँ भी चाहे बी सी से बड़ा हो चाहे सी से छोटा हो, बाटी पूर्णांक का लिए पॉजिटिव हो सकता है, इन दोनों को ऐड कर लेना, मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस कितना निकल आया, फोर के प्लस फोर फोर इंटू ए प्लस, ठीक। अब यहाँ से a माइनस बी को आप लिखो a माइनस बी और b माइनस सी को लिखो b माइनस सी और हटा, ठीक है, क्या होगा b से b कैंसिल, क्या निकल आया a माइनस सी बराबर चार गुणा a प्लस, यानी यहाँ से निकल आया कि चार या a माइनस सी चार का क्या है, इस पर मॉड लगा दो, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, जब पॉजिटिव वाला चार का गुणज है तो नेगेटिव वाला भी चार का गुणज होगा, अगर ए माइनस सी चार का गुणज है तो मॉड ए माइनस सी भी चार का गुणज। यानी यहां से क्या पता लगा कि ए कॉमा सी बिलोंग टू, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, पहला दूसरे संबंधित, दूसरा तीसरे संबंधित है, तो पहला वाला तीसरे से संबंधित है, इसका मतलब क्या हुआ, आर एक बिल्डिंग को पूरा a कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, यहाँ से इम्प्लाई हुआ a कॉमा सी बिलोंग टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध, और अगर r स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसका मतलब क्या हुआ, r एक तुल्यता संबंध। कंफ्यूज मत होना, स्वतुल्य में बच्चे हो जाते हैं, जैसे तुमने अभी बोला हो जाता है, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है इसमें, ये तो बात पूरी हो गई इसकी, आगे इसने कहा खत्म हो गया,
ठीक है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति मतलब पहली और दूसरी स्थिति में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है एक आर एक्स आपको ज्ञात करना है, या एक्स की जगह चलो ऐसे कुछ भी कह दो, बी कह दो। वन से संबंधित अवयव तो होंगे वन आर बी, या कुल मिला के मैं इसे कहूं तो 1, b belong to r और हमें क्या ज्ञात करना है b ज्ञात करना है, या मैं दूसरे शब्दों में इसको कहूं इसका मतलब ये भी तो होगा mod 1 minus b 4 का होना चाहिए। एक से संबंधित अवयव को इस तरह से लिखते हैं, जिससे भी संबंधित अवयव निकाल रहे हैं ये लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। यहां पर आप जिससे संबंधित अवयव निकाल रहे हैं वो लिखिए और बड़ा ब्रैकेट लगाइए, इसका मतलब क्या होगा एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय, ये एक तरीका है। मॉडुलस मैंने आपको जो बताया था कि मुझे घंटा डेढ़ घंटा लगेगा एक्सप्लेन करने में, ये उस वाले टॉपिक से आया। तो एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय कौन कौन से होंगे बताओ, जिसको एक में से घटाने पर चार का गुणा जाए, पांच बिल्कुल ठीक, और नौ, एक माइनस नौ आठ होगा, चार का गुणा जो 13 और 17 और इसको सेटमेंटल फॉर्म में लिखने अगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया तो क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव में तो कह देगा कि ये माइनस भी चार का होना चाहिए और ये वाला ब्रैकेट लगा के कहेगा इसका मान है, अब उसमें ये है नहीं ऐसे लिखा होगा तो इस तरह से लिखा होगा 4k+1 ठीक है, सदैक आता हमें सब कुछ है, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर है, यही चीजें होती है कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो यही चीजें होती है, चीजें वही एनसीईआरटी की आती है लेकिन उनका थोड़ा सा रूप हल्का सा बदला हुआ होता है, उसके लिए हमें सवाल को समय देना पड़ेगा। इस बात में ध्यान मत दो कि 12 सवाल मैंने 12 कर लिए मेरे 10 मिनट में हो गया, बच्चा घूम रहा आराम से, एक बच्चा 12 सवाल करने में उसने पूरा दिन लगा दिया, कामयाब वही होगा जिसने पूरा दिन लगाया क्योंकि उसने सवाल के हर पक्ष पर ध्यान दिया है। आपने एक ही पक्ष पर ध्यान दिया, ये देखा कमाला निकाली पहले के पांचवें का ये आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी इस काम के लिए बनी नहीं, इस काम के लिए प्रैक्टिस बुक बनी हुई है, एनसीईआरटी इस काम के लिए बनी है कि हर सवाल पर पूरा विचार होना चाहिए। अब इसके आधार पर सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक। अब आ जाइए एक ये 14वां सवाल, ये तो कल बताया था मैंने दूसरा, कह रहा है सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर एक संबंध है, ए कॉमा बी टाइप का संबंध है जिसमें ए छोटा है बी स्क्वायर से, इससे परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है ना सममित है ना संख्या, बहुत देर हो गई हमें सममित संख्या सिद्ध करते हुए, अब ऐसे भी तो एग्जाम्पल देखो जो है ही नहीं। देखो एक बार बताओ ए आर ए अगर होता तो क्या होता, तो होता ए छोटा या बराबर है किसके, क्या संबंध है, एक मान सोच के देखो, एक मान सोचो दो, ठीक है, ये कितना हुआ चार, छोटा है लेकिन क्या बराबर हो सकता है, एक को छोड़कर बाकी किसी संख्या के लिए भी ये संबंध जो है वो क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, क्लियर हो गई बात, हाँ ए छोटा है बी तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए सही नहीं है, कुछ स्थितियों के लिए ठीक है, एक के लिए ठीक है, ठीक है, और अगर दो ले लिया तो ये दो के लिए सही आ रहा है, एक बटा दो ले लो, एक बटा दो लो, ये एक बटा दो कितना होगा एक बटा चार, एक बटा चार एक बटा दो से बड़ा होता है, अरे एक बटा चार एक बटा दो में कौन बड़ा होता है, एक बटा दो बड़ा होता है ना, अगर हम एक का मान एक बटा दो ले लें तो ये कितना हो जाएगा एक बटा चार,
तो एक बटा क्या तो छोटा होता है और ये क्या आ जाएगा बड़ा, या करके दिखा दो, यदि a बराबर एक बटा दो तो एक बटा दो का वर्ग कितना हुआ एक बटा चार, तो एक बटा दो जो है वो बड़ा होगा एक बटा चार। इसका मतलब a के सभी मानों के लिए ये सममित स्वतुल्य, कुछ मानों के लिए है माना, कुछ मानों के लिए है, एक से बड़ी संख्याओं के लिए है, लेकिन एक से छोटी संख्याओं के लिए जब हम देखेंगे तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं। इसने कुछ बताया है के बारे में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, यानी a और b कैसी है, क्योंकि a a कैसी संख्या है वास्तविक संख्या है, अतः a का मान अगर एक से कम हो फिर a लेस देन b स्क्वायर सत्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई? एक और तरीके से मैं कर सकता हूँ, मान लो a का मान -2 ले लिया हमने, तो -2 और ये -2 का वर्ग, एक से बड़ी संख्याओं के लिए सत्य होगा और एक से छोटी संख्याओं के लिए यानी 0 से 1 के बीच में अगर कोई संख्या ले रहे हो 1/2 1/4 1/5 1/6 उसके लिए कभी सत्य नहीं होगा। अगर कोई संबंध है तो वो जब उसने वास्तविक संख्याओं के लिए कह दिया तो दुनिया की सारी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य होना चाहिए, किसी भी एक संख्या के लिए अगर वो असत्य है तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर तो हमें बहुत सारे मान मिल जाएंगे 0 से 1 के बीच में, तो स्वतुल्य नहीं, अतः आर स्वतुल्य नहीं। दूसरा विचार, दूसरा कौन है सममित, तो ए आर बी इसका मतलब होगा ए बड़ा है छोटा है ठीक, और बी आर ए निकालेंगे इसका मतलब होगा बी छोटा होगा ए स्क्वायर से ठीक, बी आर ए निकालेंगे ऐसे तो हो रहा है पहले का दूसरे से संबंध है तो पहला वाला छोटा है बराबर है दूसरे वाले के पक्ष, तो बी आर ए निकालेंगे तो इसका मतलब पहला वाला यानी बी छोटा है बराबर हो जाएगा किससे ए स्क्वायर से। हमारे पास तो ये स्थिति है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर कभी भी इम्प्लाई नहीं करेगा कि b less than equal to a square। बात समझ आ रही है? यस सर। भाई a का मान अगर b square से छोटा है इससे ये घर सिद्ध होता है कि b का मान a square से छोटा है, नहीं हो रहा ना? या मैं इसको ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ, भाई a का मान छोटा है बराबर है b square से, तो b से भाग कर लो a बटा b छोटा आ गया किससे हमें क्या चाहिए कि b का मान जो है वो छोटा होना चाहिए किससे a square से, यहाँ b का मान बड़ा हो रहा है किससे a बटा b से, ये वाली स्थिति नहीं आ रही ना इससे, इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा b बिलोंग टू r डज नॉट इंप्लाई b कॉमा a बिलोंग टू r, अतः r सममित नहीं। आप इसे चाहे गणितीय रूप में कहो चाहे आप इसे शब्दों में ठीक है कि ये स्थिति ये निर्धारित नहीं करती कि b कॉमा a भी r का अवयव है ठीक है। इसको कहने के लिए मैंने इस तरह से सहायता ले ली कि भी का मान a स्क्वायर से कम था या तो b का मान a बटा b से छोटा है, चलिए या और एक तरीका हो सकता है ये है a लेस देन b स्क्वायर इसको a से गुणा कर लो तो a स्क्वायर लेस देन हो जाएगा किससे b स्क्वायर से, जबकि हमारे पास कंडीशन क्या है a स्क्वायर बड़ा है b से, और यहां क्या आ रहा है a स्क्वायर छोटा आ रहा है b स्क्वायर से, यानी ये वाली स्थिति नहीं है। कैसे ही घुमा के कान पकड़ लो चाहे कैसे भी लिख लो वो तो मान लो, क्लियर हो गया बात। अगले a r b इसका अर्थ हुआ a छोटा है बराबर है, फिर b r c इसका अर्थ हुआ b छोटा है या बड़ा है c स्क्वायर से ठीक। अच्छा अब ये क्योंकि a का मान छोटा है किससे b स्क्वायर से, इसको b स्क्वायर से गुणा कर दो, यहां मैं कर सकता हूं इसको b से गुणा कर दो, मतलब हो सकता है यहाँ पे b क्या है ये बताना बहुत जरूरी है कि b कैसा है 0 से बड़ा है, b धनात्मक है क्योंकि 0 से छोटी संख्या से अगर मैं गुणा करूंगा तो इनइक्वालिटी का निशान बदल जाएगा। मुझे तो किसी एक मान के लिए दिखा देना, कोई भी एक मान मुझे मिल गया जिसके लिए असत्य है तभी यहाँ कहानी पूरी हो जाएगी। अब बताओ हमारे पास है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर और b स्क्वायर किससे लेस है c स्क्वायर से, इसका मतलब ये हुआ कि a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर,
ये तो ए और सी में कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। और इसको स्पष्ट करना है तो ऐसा करो, बी पूरा गायब करो, बी पूरा का पूरा कैसे गायब होगा? ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी इक्वल भी तो होता है सी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से हमने लिख दिया ए लेस देन इक्वल टू बी की जगह सी स्क्वायर है, तो ए और सी में क्या वही संबंध आ रहा है जो ए और बी में आ रहा था, या बी और सी में आ रहा था? नहीं आ रहा ना, मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब ए आर बी और बी आर सी इंप्लाई नहीं कर रहे ए आर सी सी, अतः आर संक्रामक। इतनी बात से आप समझ गए होंगे कि कुल मिला के आपसे वो कुछ भी कहते आपको स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता का कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है और आप उसे अगर लिखेंगे आपको 100% पूरे नंबर मिल जाए, भले ही आपके लिखने में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, आपकी बात सही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लिखने के क्या लिख रहे हैं इसके नंबर नहीं है, आपके कंसेप्ट के नंबर है कि आपको सम्मितता, स्वतुल्यता और संक्रामकता का ज्ञान है या नहीं। स्वतुल्यता को आप तुरंत कहेंगे ए का संबंध है, सम्मितता का कहेंगे ए का बी से, बी का ए सी से, और संक्रामकता के लिए ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से आना चाहिए। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है, नंबर आपको क्लियर है, ठीक। नोट करिए।